नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता पोरवाल। आज मैं आप लोगों के लिए जो पंजीरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इसका खाने में जो टेस्ट है वो वाकई में बहुत ही लाजवाब है और स्वादिष्ट है। आप लोग मेरे तरीके से पंजीरी बनाएंगे तो आपकी भी पंजीरी उतनी ही लाजवाब बनेगी और स्वादिष्ट बनेगी, और जब आप लोग खाएंगे तो कहेंगे वाह क्या बात है, पंजीरी खा करके तो मज़ा ही आ गया। अगर हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले फूड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए हम लोग फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। पंजीरी बनाने के लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। 100 ग्राम के करीब मैंने किशमिश ली हुई है, 100 ग्राम के करीब मैंने बादाम लिए हुए हैं, 50 ग्राम मगज लिया हुआ है, 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम अखरोट लिए हुए हैं, और मैंने यहाँ पे मखाने को भून करके क्रश कर लिया है इस तरीके से, और ये हमारा खसखस है जो मैंने 100 ग्राम के करीब लिया है। और मैंने 1 टीस्पून अजवाइन ली हुई है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग काली मिर्च ली हुई है जो मैंने पीस ली है। चलिए हम लोग पंजीरी बनाना शुरू करते हैं। अब हम इन सारी चीजों को एक मिक्सी के जार में हम ग्राइंड कर लेते हैं। पंजीरी बनाने के लिए मैंने 1 किलो देसी घी लिया हुआ है, जो कि हमारा घी गरम हो चुका है। अब मैं इसमें 1 किलो के करीब आटा लूंगी, और 1 कटोरी मैंने सूजी लिया हुआ है, और 1 कटोरी मैंने बेसन लिया हुआ है, जो कि मैं गरम कढ़ाई में इसको ऐड कर देती हूँ। पहले हमने 1 कटोरी सूजी डाला, 1 कटोरी बेसन डाला हुआ है, इसमें आटा डाल दिया है। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और चला लेते हैं। आटा भूनते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, जिससे हमारे इसमें लम्स ना पड़े, और हमने फ्लेम को हाई ही रखा है। पंजीरी में मिक्स करने के लिए हमने 1 किलो के करीब खोया लिया हुआ है। अब हम इसको हाथों की सहायता से इसको मैश कर रहे हैं। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे आटे का कलर आना स्टार्ट हो गया है, और पूरी किचन में देसी घी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए और इसको कुक करेंगे। और इसको ऐसे ही कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक हमारा आटा अच्छी तरीके से भुन ना जाए। जैसा कि हमने 1 किलो आटा लिया था, तो हम 1 किलो खोया डालेंगे, जो कि हमने मैश भी कर लिया था खोए को, तो हम इसको धीरे धीरे मिक्स करते रहेंगे। खोया डालने के बाद हमें कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहना है। खोया डालने के बाद हमने अपनी गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है,
ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो खोया डाला था वो आटे में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें क्रश किए हुए सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें खसखस और किशमिश ऐड कर रहे हैं। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें 1 किलो पिसी हुई चीनी डालेंगे। इस टाइम पे हमने गैस को ऑफ कर दिया है। सारी चीनी को हम एक साथ इसमें मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारी पंजीरी बनकर के तैयार हो गई है। सारी चीजें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। चलिए हम आप लोगों को एक बार टेस्ट करके दिखाते हैं कि हमारी पंजीरी। वाओ, हमारी पंजीरी तो बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार हुई है। खा करके तो मजा आ गया। इस प्रकार हमारी बहुत ही स्वादिष्ट पंजीरी बनकर के तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को अपने अपने घरों में जरूर ट्राई कीजिए। यकीन माने आप लोगों को भी पंजीरी बहुत पसंद आएगी। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल श्वेता पुरवाल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।